भाई पहली बॉल पर आउट होकर ट्राई बॉल वाला रूल हो या जिसका बल्ला उसकी बैटिंग वाला, गली क्रिकेट में हम सभी चीटिंग तो कर ही चुके हैं। वैसे अपने मन पसंद रूल्स बनाकर हम चीटिंग को भी लीगल बना लेते थे, जैसे फुल टॉस को नो बॉल कहना, दीवार पर छक्का और दीवार से उस पार आउट मानना, और साथ ही बॉल वापस लाने की पेनल्टी भी, या फिर टॉस हारने के बाद 3 बार टॉस फेंकना। मतलब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड गली क्रिकेट। फिर वक्त के साथ साथ रूल्स बदले और चीटिंग के तरीके भी। वैसे आजकल गली क्रिकेट कौंसिल कौन से रूल्स फॉलो कर रही है, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों 18वीं सदी में जब क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तो यह खेल भी बाकी खेलों की तरह गैम्बलिंग के लिए खेला जाने लगा था, और जहां गैम्बलिंग हो वहां चीटिंग तो मस्त होती है। या फिर यूं कह लो कि 18वीं सदी में ही क्रिकेट में चीटिंग अपने अरूज पर हो गई थी जनाब। जैसे 1820 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक ऐसा मैच भी खेला गया था जब दोनों ही टीम्स ने मैच फिक्सिंग कर ली थी और बल्लेबाज आउट होना चाह रहे थे लेकिन बॉलर्स इन्हें आउट नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी क्रिकेट का नाम जेंटलमैन गेम रख दिया गया। वक्त गुजरता गया, क्रिकेट को बहुत सारी नई नेशंस ने खेलना शुरू किया, कई नए रूल्स बनाए गए और चीटिंग करने वाले खिलाड़ियों को पनिश भी किया गया। लेकिन फिर भी क्रिकेट में चीटिंग खत्म नहीं हो पाई। आज की वीडियो में हम आपको क्रिकेट में होने वाली सभी चीटिंग्स और इनके सीक्रेट्स बताने वाले हैं जनाब, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों वैसे तो क्रिकेट में चीटिंग की शुरुआत मैच फिक्सिंग से हुई थी, और मैच फिक्सिंग का आगाज क्रिकेट में गैम्बलिंग से हुआ था। दरअसल गैम्बलर्स यानी बुकीज क्रिकेटर्स को पैसे देकर या कोई लालच देकर इन्हें मैच हारने, नो बॉल फेंकने या किसी खास अंदाज में कोई एक्टिविटी करने का कहते हैं, जिससे इस मैच पर लगाई गई बैटिंग में इनका फायदा हो सके। बस इसी को तो मैच फिक्सिंग कहते हैं जनाब। 1820 में पहली बार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहे एक मैच में मैच फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया था, जब दोनों ही टीम्स एक दूसरे से हारने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद क्रिकेट में मैच फिक्सिंग को लेके कई सारे स्ट्रिक्ट रूल तो बनाए गए, मगर मैच फिक्सिंग हर दौर में ही होती रही। 2000 में इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाले मैच फिक्सिंग स्कैंडल में तो कई सारे खिलाड़ियों पर बैन भी लगाए गए थे, जैसे हंसी क्रोनिया, मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय शर्मा को तो लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था, जबकि अजय जडेजा को 5 साल और हर्षल गिब्स को 6 माह के लिए। और इसी साल पाकिस्तानी बल्लेबाज सलीम मलिक और अताउर रहमान को भी लाइफ टाइम बैन कर दिया गया था। 2010 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले मैच फिक्सिंग स्कैंडल में मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट को 5-5 साल के लिए बैन किया गया था। 2015 में मोहम्मद अशरफुल को 8 साल के लिए और 2016 में शजील खान को 5 साल के लिए और फिर उमर अकमल को 3 साल के लिए। लेकिन फिर भी क्रिकेटर्स इस इलीगल काम से बाज नहीं आते। नंबर 9। 1981 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान चल रहा वो मैच जब न्यूजीलैंड को जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 6 रन की जरूरत थी, लेकिन ग्रेग चैपल का ट्रेवर को दिया गया वो मशवरा इन्हें चीटर बना के रख देता है जनाब। ट्रेवर वो आखिरी गेंद अंडर आर्म डालते हैं और ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाता है। वैसे तो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर ने कुछ भी उस वक्त के रूल्स के अगेंस्ट नहीं किया था, मगर फिर भी क्रिकेट के इस इंसिडेंट को चीटिंग कहा जाता है। और इसके बाद क्रिकेट में अंडर आर्म बॉल को भी बैन कर दिया गया था, और अब कोई भी बॉलर अंडर आर्म बॉल नहीं फेंक सकता। नंबर 8। दोस्तों क्रिकेट में बॉलर्स को अपने एक्शन को लेकर भी कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं, जैसे कोई भी बॉलर चाहे वो फास्ट हो या स्पिन, वो चोकिंग या थ्रोइंग एक्शन के साथ बॉल नहीं फेंक सकता। मतलब बॉलिंग करते वक्त अगर किसी बॉलर का बाजू 15 डिग्री से ज्यादा बेंड करता है ना, तो इसके बॉलिंग एक्शन को इलीगल माना जाता है और अंपायर इस एक्शन से की गई बॉल को नो बॉल दे सकता है, जैसे 1996 में मताया मुरलीधरन के साथ हुआ था, जब अंपायर ने मुरली के एक ही ओवर की 7 गेंदों को नो बॉल दे दिया था और इनके एक्शन को भी इलीगल कह दिया था। वैसे क्रिकेट में कई और बॉलर्स भी हैं जो इलीगल एक्शन की वजह से बैन हो चुके हैं, जैसे सईद अजमल, मोहम्मद हफीज, सुनील नारायण, मोहम्मद हसनैन और केन विलियमसन। नंबर 7। दोस्तों क्रिकेट में सबसे कॉमन समझे जाने वाली चीटिंग बॉल टेम्परिंग होती है, मतलब जब कोई भी फील्डर या बॉलर बॉल को रब करके खराब करे या इसकी हालत को बदलने की कोशिश करे जो बल्लेबाज के लिए खतरनाक साबित हो और जिससे बॉलर का फायदा हो। बॉल टेम्परिंग की शुरुआत भी 1975 में न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी ने की थी जनाब, और फिर 1994 में इंग्लैंड के कैप्टन का डर्ट इन पॉकेट वाला इंसिडेंट सामने आया जब वो बॉल को अपनी पॉकेट से रब करके खराब कर रहे थे। 2010 में शाहिद अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच में तो बॉल को बाइट ही कर ली थी, और उसी साल स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन भी अपने शूज से बॉल को ग्राउंड पर रब करके खराब करते हुए पकड़े गए थे। क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग के कई और इंसिडेंट भी हो चुके हैं, जैसे फोरहेड पर वैसलीन लगाकर बॉल को पॉलिश करना या फिर सैंड पेपर से बाल को रब करके खराब करना, लेकिन ये सभी तरीके चीटिंग में ही आते हैं। नंबर 6।
भाई क्रिकेट में सिर्फ बॉलर या बल्लेबाज ही नहीं बल्कि फील्डर भी चीटिंग कर जाते हैं, जैसे कोई ऐसा कैच पकड़कर अपील करना जो जमीन पर लग चुका हो। ये एक बहुत ही कॉमन चीटिंग है और क्रिकेट में ऐसे कई इंसिडेंट भी हो चुके हैं। जैसे अहमद शहजाद का पकड़ा गया ये वाला कैच तो देखिए, जब बॉल जमीन पर टच हो जाती है लेकिन शहजाद तो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कैच को क्लेम कर रहे होते हैं। या फिर ऋषभ पंत का लिया गया ये कैच देखिए। वैसे बाउंड्री से बाहर से कैच पकड़कर भी ना मानना गली क्रिकेट में एक आम सी चीटिंग होती थी, है ना। नंबर 5, भाई जेंटलमैन माने जाने वाले इस खेल में कई बार वैसी सिचुएशन ही बन जाती है जैसी बचपन में गली क्रिकेट में हुआ करती थी, जब अंपायर बैटिंग करने वाली टीम का होता था और LBW और रन आउट तो दिया ही नहीं जाता था। सही कह रहा हूं ना, क्रिकेट में कई बार कई खिलाड़ी भी ऐसे ही होते हैं जनाब, जो साफ आउट होने के बाद भी विकेट पर खड़े रहते हैं और अंपायर के इशारे का इंतजार कर रहे होते हैं, और अगर अंपायर गलती से आउट ना दे तो वो खुशी खुशी दूसरी बारी भी ले लेते हैं, और ऐसा अक्सर हो भी जाता था। मगर क्रिकेट में DRS आने के बाद ये वाली चीटिंग अब बहुत कम हो गई है जनाब, क्योंकि अब अंपायर के फैसले को चैलेंज भी किया जा सकता है। नंबर 4, भाई साहब वैसे तो पेनल्टी का नाम सुनते ही हमारे माइंड में फुटबॉल आता है, मगर क्रिकेट में भी ये रूल लागू होता है जनाब, बिल्कुल वैसे ही जैसे फुटबॉल में क्रिकेट में भी ये पेनल्टी वाला रूल कई सारे मौकों पे अप्लाई होता है। जैसे कि अगर कोई फील्डर या बॉलर जानबूझकर बॉल या पिच को खराब करे, या फिर बॉल फील्डिंग साइड के किसी भी खिलाड़ी के ग्राउंड में पड़े किसी चीज से टच कर जाए, तो इस पर अंपायर मुखालफ टीम को 5 रन की पेनल्टी दे देता है। और हाँ, अगर फील्डर जानबूझकर बॉल को छोड़कर बाउंड्री करवाए या पांव से बॉल को बाउंड्री से बाहर फेंके, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग ने किया था, या फिर बॉलर या बल्लेबाज रन लेने के दौरान विकेट को खराब करे, जैसे डेविड वॉर्नर ने किया था, या कोई बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की कोशिश में शॉर्ट रन लेने की कोशिश करे, जैसे टिम डेविड ने किया था, या विकेटकीपर अपनी पहुंच से बाहर जाती हुई गेंद को अपने ग्लव्स से रोकने की कोशिश करे, जैसे इस विकेटकीपर ने किया था, या कोई फील्डर कीपर के ग्लव्स का इस्तेमाल करके बाल पकड़े, इन सभी को चीटिंग माना जाता है और इसकी पनिशमेंट 5 रन की पेनल्टी होती है जनाब। नंबर 3, भाई अपना हवा में खेला गया कैच छूटने की ख्वाहिश तो हर बल्लेबाज की होती है, बल्कि बचपन में तो हम कैच आउट होने से बचने के लिए कैच कर रहे फील्डर को अपनी आवाज से डराने की कोशिश करते थे, और कुछ ऐसा ही रन आउट से बचने के लिए भी किया जाता था। जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसे इंसिडेंट अक्सर देखने को मिल जाते हैं जनाब, और ऐसा करने को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड कहा जाता है। मतलब जब भी कोई बल्लेबाज आउट होने से बचने के लिए बॉल के रास्ते में आए या फील्ड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, तो इस पर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड रूल अप्लाई होगा और इसे आउट दे दिया जाएगा, जैसे इंडिया के खिलाफ इंजमामुल हक को और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेन स्टोक को दिया गया था। वैसे अभी तक ये रूल बॉलिंग साइड पे अप्लाई नहीं होता, जबकि बॉलर्स भी कई बार बल्लेबाज को रन लेते हुए रोकने की कोशिश करते हैं, और ऐसे अक्सर बल्लेबाज रन आउट भी हो जाते हैं, जो कि एक तरह से चीटिंग ही मानी जाती है, लेकिन ICC के रूल्स में अभी तक इसे इलीगल नहीं माना गया। नंबर 2, दोस्तों वैसे तो क्रिकेट में फेक फील्डिंग भी चीटिंग के दायरे में ही आती है। जब कोई फील्डर या विकेट कीपर अपनी एक्टिविटी से बल्लेबाज को डबल माइंडेड या मिसगाइड करने की कोशिश करता है, तो इसे फेक फील्डिंग कहा जाता है, और इसकी पनिशमेंट भी 5 रन की पेनल्टी होती है जनाब। लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ी अंपायर की नजरों से बच बचा कर ऐसा कर ही जाते हैं, जैसे कुमार संगकारा ने अहमद शहजाद के साथ किया था, और क्वेंटन डी कॉक ने फखर जमान के साथ किया था। नंबर 1, दोस्तों T20 और वनडे जैसे शॉर्ट फॉर्मेट से हट के अगर टेस्ट फॉर्मेट की बात की जाए, तो टाइम वेस्ट या स्लो डाउन प्ले वाली चीटिंग टेस्ट में बहुत आम देखने को मिल जाती है। मतलब जब भी किसी टीम को अपनी हार नजर आ रही होती है, तो इसकी कोशिश होती है कि वो किसी तरह टाइम वेस्ट करके सेशन या डे के एंड तक मैच को डिले कर सके। बॉलिंग साइड इसके लिए हर बॉल पर फील्डिंग चेंज करने का तरीका अपनाती है, जबकि बल्लेबाज हर ओवर के बाद बैट या ग्लव्स चेंज करने की कोशिश करते हैं। वैसे ICC रूल्स के मुताबिक इसे इलीगल तो नहीं माना गया, लेकिन फिर भी ये चीटिंग के दायरे में ही आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई 10 चीटिंग से हटके अगर आपके पास भी कोई चीटिंग का नया आइडिया है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, हमें इंस्टा पे हेलो जरूर बोलिएगा।